टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब टीम इंडिया अपने अगले मैच के लिए पुणे में। टीम इंडिया ने मंगलवार को एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन किया। इस प्रैक्टिस सेशन में एक ऐसी बात देखने को मिली जिसने बांग्लादेश को जरूर मुश्किल में डाल दिया होगा। वर्ल्ड कप में बल्ले से धाकड़ फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा इस दौरान गेंदबाजी का अभ्यास करते हुए नजर आए। टीम इंडिया के अभ्यास के बीच रोहित शर्मा नेट्स में बॉलिंग करते हुए दिखे। रोहित शर्मा की बॉलिंग करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन नेट्स में रोहित शर्मा से उनकी गेंदबाजी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। रोहित शर्मा की इस तस्वीर को देख फैंस तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लोड हो रहा है, जबकि एक दूसरे यूजर ने रोहित शर्मा को देख विराट कोहली की बॉलिंग को याद करते हुए लिखा, हम चाहते हैं कि हमारा राइट आर्म क्विक बॉलर भी ऐसा ही करे। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ने अचानक ही गेंदबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा ने कहा था कि वो टूर्नामेंट में गेंदबाजी के लिए हाथ घुमा सकते हैं। But hopefully, you know, Sharma and Kohli can roll some arm over in the World Cup. Yeah, we've convinced them. रोहित शर्मा अपने करियर की शुरुआत में बतौर ऑफ स्पिनर नियमित तौर पर गेंदबाजी किया करते थे। हालांकि रोहित अब गेंदबाजी न करने के कारण का खुलासा करते हुए बता चुके हैं कि उनकी उंगली में कुछ दिक्कत है, जिसके चलते रोहित शर्मा अब गेंदबाजी नहीं करते और ऐसा करके अपनी बैटिंग के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते। रोहित शर्मा के नाम टेस्ट में 2, वनडे में 8 और T20 इंटरनेशनल में 1 विकेट दर्ज है। इसके साथ ही रोहित शर्मा के नाम IPL की हैट्रिक भी है। ऐसे में अब अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में बॉलिंग करते हुए नजर आए तो टीम इंडिया को एक एक्स्ट्रा स्पिनर का विकल्प मिल जाएगा और टीम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी।